भाई लोग, थॉर लव एंड थंडर का ट्रेलर आ चुका है तो इसका ब्रेकडाउन करते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ट्रेलर स्टार्ट होता है कॉर्क के साथ में, जो कि कुछ एलियन बच्चों को थॉर की हिस्ट्री सुना रहा होता है और वो भी बताता है कि कैसे फैमिली पैक से उस देवता ने सिक्स पैक एब्स बनाए थे। पर उसके वॉइस ओवर के साथ में देखने को मिलता है कि थॉर कहीं पर लड़ाई कर रहा है एक ब्लैक क्रीचर्स के साथ में। ये जगह मोस्ट प्रोबेबली न्यू एस्गार्ड हो सकती है और ये क्रीचर जरूर गौर की आर्मी पर होंगे, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिर थॉर को एकदम अचानक से अपना हथौड़ा म्योरिन दिखता है, जिसे गौर से देखने पर हमें पता चलता है कि उसमें क्रैक्स आ रखे हैं। ऑफ कोर्स वो आएंगे क्योंकि थॉर रैग्नारोक में हथौड़ा टूट गया था। थॉर उसे देख के ऐसा खुश होता है जैसे कि एक पुराना दोस्त देख लिया हो, और जैसे उसे पकड़ने जा ही रहा होता है तभी वो उसके पास से हटकर जेन के पास में चला जाता है, जिसे देखकर थॉर की सिट्टी पट्टी गुल हो जाती है। अब जरा इस आर्मर के बारे में बात कर लेते हैं, तो ये आर्मर मुझे रोइन किंग थॉर से बहुत ज्यादा इंस्पायर लग रहा है, सिर्फ इसके हेलमेट के अलावा, क्योंकि इसका हेलमेट मुझे हॉकमैन से ज्यादा इंस्पायर लग रहा है। फिर थॉर और जेन के बीच में कुछ बातें होती है और हमें उनकी बातों से ये पता चलता है कि शायद जेन भी स्नैप में चली गई थी। हम कितने साल बाद मिले, 3-4 साल, 8 साल 7 महीने और 6 दिन। और इस बात से हमें भी समझ में आता है कि थॉर स्नैप के बाद में इतना डिप्रेस क्यों था। अब जरा इस जगह की बात कर ले रहे हैं जहाँ से न्यू एस्गार्ड से निकलकर थॉर गया हुआ था। तो इस जगह का नाम ओलंपस है और ये ग्रीक माइथोलॉजी से आई हुई, और ज्यूस जो कि ग्रीक माइथोलॉजी में देवताओं का राजा है और बिजली का देवता भी, उससे शायद थॉर मदद मांगने गया होगा गौर से निपटने के लिए, पर वो उसे भरी सभा में नंगा कर देते हैं। उसके बाद यहाँ टाइम पास करने के बाद में थोड़ी मारामारी होती है, इसके बाद में पता चलता है हो सकता है जेन अभी अभी थॉर बनी है। ये तो मेरा पहला शिकार था। अब पूरे ट्रेलर के सबसे बड़े हाईलाइट पे जाते हैं जो कि गौर। अब गौर कौन है इस बारे में मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, पर अभी छोटे में जान लेते हैं। तो गौर बहुत समय पहले एक प्लेनेट पे रहता था जहाँ बारिश ना होने के कारण भूखमरी से सब लोग मर रहे थे, और गौर के कबीले वाले काफी धार्मिक थे, यहाँ तक कि उसकी माँ और उसकी बीवी तक। पर गौर को गॉड्स पे बिलीव नहीं था। उसकी माँ मॉन्स्टर से लड़ती हुई मर गई, उसकी बीवी एक भूकंप में मर गई, उसका बेटा भी कई दिनों तक भूखा प्यासा रहने की वजह से मर गया, और आखिर में जब वो अपने बेटे को दफना रहा तब उसके कबीले वाले कहते हैं कि उसे दफना मत, उसे लटका दो ताकि देवता लोग उसे देखें और हमारी मदद करें। तब गौर की हड़ जाती है और कबीले वालों को पता लगता है कि तुम्हारा भगवान स्वार्थी है, और गौर के कबीले वाले ये बात सुनकर उसे अपने कबीले से निकाल देते हैं, और वो भी भूखे प्यासे होने के कारण मरने ही वाला होता है कि तभी वो आसमान में एक रोशनी को देखता है और किसी चीज़ को गिरता हुआ अपने सामने देखता है। जब वो गौर से जाके देखता है तो उसे पता चलता है कि ये दो देवता हैं, जो कि गोल्डन आर्मर में था और एक ब्लैक आर्मर में था। गोल्डन आर्मर वाला गॉड गौर से मदद मांगता है, और जैसे ही वो मदद सुनता है वैसे ही उसकी अड़े आती है कि मैं तुम्हारी मदद करूं, और जब तुम्हें मेरी मदद करनी तब तुम कहां। तभी उस ब्लैक आर्मर वाले गॉड के पास से एक सिम्बियोट जैसी चीज आके उससे लिपट जाती है, और एक नुकीले पत्थर के रूप में आके उसके हाथ में एक वेपन की तरह आ जाता है, और फिर गौर उस हथियार से उस गॉड को मार देता है और निकल जाता है सभी देवताओं को मारने के लिए जिन्होंने भी नहीं सुनी उनकी, जो कि स्वार्थी हैं और अपने ही बारे में सोचते हैं। अब आई नो तुम्हें कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई होगी, जैसे कि वो ब्लैक गॉड कौन था। तो मैं बता देता हूँ, ये ब्लैक गॉड नल था, जिसने ही गौर की ये नेक्रोस्वॉर्ड बनाई थी। और नल इस दुनिया में कुछ भी क्रिएट होने से पहले डार्कनेस में रहता था, और देवताओं के आने के बाद में उसे भी इससे समस्या हुई, जिसके कारण उसने वो तलवार बनाई उनको मारने के लिए। गौर के हाथ में लगते ही वो तलवार से देवताओं को इस तरीके से मारता है कि जिस तरीके से कोई जानवरों को भी नहीं मारता, उन्हें खूंटे पर टांग देता है, उन्हें पेड़ों पर टांग देता है। उसका खौफ तुम मरे हुए देवताओं की आंखों में तक देख सकते हो। अब बहुत से लोगों को ये शिकायत है कि गौर का जो लुक इस मूवी में बताया गया है वो कम एक्यूरेट नहीं है, जिससे मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि देखो यार वो वोल्डेमॉर्ट जैसा बहुत ज़्यादा लगता है। और क्रिस्टन बेल जो कि गौर का रोल प्ले कर रहे हैं, वो इस रोल को काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच दे रहे हैं, मुझे उनका ये लुक काफ़ी पसंद आया। और थॉर और गौर की काफ़ी लंबी हिस्ट्री रही है, उसने थॉर को बहुत टॉर्चर किया है, और मूवी इसकी ब्लैक एंड वाइट अप्रोच मुझे काफ़ी अच्छी लगी, इसके कारण वो ब्लड बहुत ज़्यादा दिखा सकते हैं इसमें। बट ये मेरा ओपिनियन, मैं जान जाऊँगा तुम्हारा क्या ओपिनियन, लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलूंगा तुम्हें अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारे सोनी साइनिंग ऑफ।